निगोई थाने पर आए ग्रामीणों ने पुलिस पर किया हमला। शाहजहापुर निगोई थाना प्रभारी गोविंद सिंह सहित 8 पुलिसकर्मी घायल। थाना प्रभारी का सरकारी COG मोबाइल भी ग्रामीण लेकर हुए फरार। निगोई थाने में घुसकर ग्रामीणों ने इंस्पेक्टर समेत पुलिसकर्मियों को पीटा। इंस्पेक्टर की उंगली टूटी, कच्ची पाई भी हुए घायल। थाने का COG नंबर उठा ले गए हमलावर। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पावर हाउस में किसी बात को लेकर पूर्व प्रधान की विद्युत कर्मी से हुई थी बातचीत। घटना के बाद घायल पुलिसकर्मियों को CHC निगोई में कराया गया एडमिट। सूचना पाकर SP CD संजय कुमार व CU सदर मौके पर पहुंचे। SPS आनंद ने पुलिस को तत्काल हमलावरों को गिरफ्तार करने के दिए आदेश। मौके पर पहुंचे पुलिस फोर्स हमलावरों की तलाश में जुटी। 9 बजे के लगभग ये सूचना मिल रही थी कि जो बिजली केंद्र में गए थे, लाइट वालों से कुछ इनका इशू था, वहाँ जाकर उन्होंने मारपीट कर दी थी। सूचना मिलने पर पुलिस वहाँ पर पहुंची थी। पुलिस में जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ पर हट गए थे। थाने पर आ गए और करीब 50 से ज़्यादा की संख्या में लोग आ गए। यहाँ पर वो जाम लगा लगे। जब प्रभारी निरीक्षक यहाँ पे आए तो उनसे बात करने का प्रयास किया, तो उन्होंने लोगों ने स्मार्ट हमला कर दिया और उनके मोबाइल छीन के फरार हो गया। मार्केट की जिससे उनके बच्चे लोग गए हैं और उनके साथ 3 पुलिस स्टेशन गए हैं। इसमें वीडियो भी बना हुआ है, जानकारी की जा रही कौन सी हमारे छोटी शहरों में पुलिस करा के रिपोर्ट की पकड़ रहे। जैसे कि SP साहब वो इसका वीडियो भी बना हुआ है, वीडियो देखने के बाद सर सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि इंस्पेक्टर साहब 9 पुलिसकर्मी घायल हैं, क्या मामला है? जहां एक तरफ प्रदेश और केंद्र सरकार लगातार अपराधियों में लगाम लगाने की बात कर रही, वहीं आज शाहजहांपुर में इस तरह की घटना के अपराधियों ने थाने में घुसकर थाना अध्यक्ष के ऊपर हमला किया। कितना संगीन इस जुर्म को मानते हैं? थाने के गेट पे घटना हुई है और ये गंभीर घटना है, इसमें कठोर